सलमान खान इंशाल्लाह फिल्म छोड़ने पर सबसे ज्यादा निराश होगी आलिया भट्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फेस्टार न्यूज। 26 अगस्त को इंशाल्लाह फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने वाले दिन ही सलमान खान ने एक ऐसा ट्वीट किया जो सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हिला कर रख दिया। जब सलमान खान ने ट्वीट किया कि हम इंशाल्लाह को पूछ दे रहे हैं, और फिर थोड़े समय बाद बंसाली प्रोडक्शन में से खबर आई कि अब इंशाल्लाह फिल्म हमेशा के लिए डिब्बा बंद हो रही है, अगर ये फिल्म बनेगी तो इसमें सलमान खान नहीं होंगे। हालांकि इसके पीछे का रीजन सलमान खान ने समय बताया है। जब सलमान खान ने बताया कि ये फिल्म की शूटिंग के लिए समय ज्यादा लगने वाला था और उतना समय मेरे पास नहीं है, और शायद इसी कारण सलमान खान ने इंशाल्लाह फिल्म को छोड़ दिया है। लेकिन इसके अलावा सलमान खान के पास कई सारी फिल्में हैं, तो वो कोई और दूसरी भी कर लेंगे, और संजय लीला भंसाली भी इंशाल्लाह फिल्म कोई दूसरे एक्टर के साथ बना लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह फिल्म छोड़ने पर सबसे ज्यादा निराश आलिया भट्ट हुई है, क्योंकि हालिया इंटरव्यू में जब आलिया भट्ट को पूछा गया कि जब आपको इंशाल्लाह फिल्म ऑफर हुई तब आपका क्या रिएक्शन था, तो आलिया भट्ट ने कहा था कि जब ये फिल्म ऑफर हुई मैं 5 मिनट तक खुशी के मारे कुत्ती रही थी, और सलमान खान के साथ काम करना मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन अब ये फिल्म नहीं बनने वाली। तो जाहिर सी बात है कि इंशाल्लाह न बनने पर सबसे ज्यादा दुख आलिया भट्ट को होने वाला है, क्योंकि उनकी सलमान खान के साथ जोड़ी बनते बनते रह गई। उम्मीद करते हैं कि सलमान खान और आलिया भट्ट एक साथ एक फिल्म में आने वाले दिनों में जरूर देखें, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी देखने के लिए फैंस वैसे भी काफी एक्साइटेड है, और जब से इंशाल्लाह फिल्म अनाउंस हुई थी तब से तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन अब इंशाल्लाह फिल्म डिब्बा बंद हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, और अगर आप भी सलमान और आलिया की जोड़ी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल FStar News को जरूर सब्सक्राइब करें।